के मलासा ब्लॉक के टीचर्स ब्लॉक के बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी से आजकल परेशान हैं। ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बीईओ पर अवैध वसूली, मानसिक प्रताड़ना और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला शिक्षिकाओं का आरोप है कि साहब अपने ऑफिस में बैठते ही नहीं है और जांच के नाम पर घर बुलाते हैं। मलासा ब्लॉक के अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाएं खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार गुप्ता की तानाशाही से आजिज है। समस्याएं तो हमारा ब्लॉक जैसे अंग्रेजों का गुलाम हो, वो स्थिति पहुंच गई इस समय। जैसे कोई गवर्नर आया हो, हम लोग दास्ता का जीवन जी रहे हों। विद्यालय में जाकर धमकाना, कौन गाली गलौज करना, बीओ बीओ महोदय कौन है? बीओ बीओ संजय कुमार गुप्ता। अच्छा। जी तो किस तरह की जो है प्रताड़ना दे रहे हैं आप लोग? वो मानसिक, शारीरिक, मतलब जितनी पीड़ाएं होती हैं सब पीड़ा देते हैं। और कार्रवाई करने के बाद 20 विद्यालयों में कार्रवाई हुई, जिसमें 2 का पोर्टल पे चढ़ा, बाकी 18 का लेन देन होकर मामला निपटा दिया जाता है। अच्छा, ऐसे विद्यालय हैं, नाम है मेरे पास, विद्यालयों के भी नाम है। महिलाओं का आरोप है कि घर बुलाते हैं। हाँ, ये अपने ऑफिस वहाँ मलासा तो ये 2 महीने से नहीं आए ऑफिस में, बैठने नहीं, ऑफिस तो अनाथ पड़ा हुआ है। यही यहाँ सदर भी वो हैं, ये तो यहाँ भी नहीं मिलेंगे, ये अपने आवास पर बुलाते हैं, वहाँ लेन देन करते हैं। हम आज लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें जो इस समय हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे हमारा पूरा मलासा ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है कि महिलाएं खासकर त्रस्त हैं कि एक विद्यालय को टारगेट कर लिया जाता है कि वहाँ बार बार निरीक्षण किए जाते हैं। संडे को भी जैसे विभाग की ऊपर से गाइडलाइन आती है तो हम लोग कार्य करते हैं, और वहाँ गाइडलाइन में ये तो होता नहीं है कि मान लो 2 बजे तक बैठना है कि 4 बजे तक बैठना है। हम लोग संडे को, मुहर्रम को भी ऊपर से गाइडलाइन थी, सारे कार्य किए गए, इसके बावजूद इनके द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण में इतना प्रताड़ित किया जाता है कि पोर्टल पे नहीं डालना है इनको, सीधे बुलाना है ऑफिस में भी नहीं बुलाना है, ना कि स्पष्टीकरण के लिए कहा जाता है, सीधे कहा जाता है कि आप हमारे वहाँ पर मिलिए आके, आप हमारे आवास पर मिलिए आके। और आवास पर मिलने का क्या मतलब है? हम लोग यहाँ पे मलासा ब्लॉक में कभी भी हम लोग गए, कभी भी साहब नहीं बैठते हैं, कोई मुलाकात नहीं हो पाती है, किसी की सीसीएल नहीं पास होती है, किसी का मेडिकल नहीं अप्रूव होता है। कि भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली तो ऐसी, हम खुद ही उस चीज़ से गुजर चुके हैं कि हम लोगों को कभी ये नहीं एहसास हो पाता है कि हम लोग एक सारे सरकारी विभाग से जुड़े हैं। हम लोगों को ये मतलब इस तरह से हमसे बात की जाती है जैसे हम उनके घर की आया हूँ। हम लोगों से बिल्कुल ऐसे ही भाषा शैली प्रयोग किया जाता है। सीडीओ मैम से मिलने पर गए हैं, वो लोग जो है करीब 5-6 लोग अंदर थे, बाकी लोग बाहर रहे। तो सबसे जो प्रमुख समस्या को लेकर के गए जिससे वार्ता हुई है माननीय हमारे सीडीओ मैम से, तो वो प्रमुख वार्ता ये है कि बीओ जो है मलासा जो श्रीमान संजय गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा जो निरीक्षण होता है तो वो तो अलग विषय है, लेकिन निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से हमारी शिक्षिका बहनों को वो जो है सीडीओ मैम ने आश्वासन किया दिया। सीडीओ मैम ने कहा है, बीएसए मैम से बात हुई है, उन्होंने वार्ता की है, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं उनसे बात करके और जो भी आपके यहाँ जो ये खंड शिक्षा अधिकारी इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं, सबसे पहले आपको बीएसए मैम से जांच किसको दी गई है? बीएसए मैम को ही उन्होंने कहा है कि आपसे पहले भी आप लोग बीएसए मैम को इसके पहले जो है मिल चुके हैं, लेकिन इसके मिलने के उपरांत भी वहाँ से कोई भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा है। और इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, इसके लिए जो एक विशेष आंदोलन करेंगे। और इसके लिए हम लोगों को अगर कुछ भी तालाबंदी करनी पड़ी, कुछ भी करनी पड़ी, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ हम लोग कभी शांत नहीं बैठे। शिक्षिकाओं का कहना है कि साहब खुद को हुक्मरान समझते हैं और शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना मुलाजिम, और जब भी जबान खोलते हैं तो अमर्यादित भाषा ही निकलती है। अब शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी से खंड शिक्षा अधिकारी को हटाने की मांग की है। मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं आरोपों से घिरे खंड शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मुझ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोप लगा रहे हैं। वहीं शिक्षक शिक्षिकाओं ने खंड शिक्षा अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की। मुख्य विकास अधिकारी ने बीएसए को जांच दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है और वो बिंदुवार जांच की जाएगी बीएसए के द्वारा, और जांच जैसे निकलता है उसके अनुसार कार्रवाई। शिक्षिकाओं का आरोप है कि बहुत अभद्र भाषा का एबीसी प्रयोग करते हैं, प्लस जो है
वर्किंग आवर्स के बाद जांच के लिए घर पे बुलाते हैं, ये उनका आरोप है, अभी पुष्टि नहीं हुआ है जांच के उपरांत। फिलहाल मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। वहीं ब्लॉक के टीचर्स लगातार बीईओ के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि बीईओ साहब की हुक्मरानी से निजात दिलाएं।